the prestigious Japanese doctor, Dr. Bukuni Marsili, MD and PhD. Model Nobel Prize vijeta ye Linus Pauling Institute of Science and Medical and American Institute that awarded the most Nobel Prize. ये इंस्टीट्यूट है नोबेल प्राइज ये विजेता भी है और उन्होंने जब इसका डॉक्टर डॉक्टर हुकुमी मारसिगी उन्होंने जब रिसर्च किया तो बताया एक डॉक्टर सुवन से एक डॉक्टर ने बताया कैंसर इज अ सीरियस डिजीज. कैंसर क्या है? बहुत ही सीरियस डिजीज है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है. ट्रेडिशनल मेडिसिन बट इट इज नॉट बेटर. Patients have a good chance to recover. These are statements on fertility, but watching the recent research data, it can be very, very true. बोले कि कैंसर कैंसर जो है बहुत ही सीरियस डिजीज है, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया गैलेडोमा के ऊपर तो बताया कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है. क्या देता है? उसके ट्रीटमेंट में भी रिसीज होता है, यानी गैलेडोमा जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि बढ़िया रिजल्ट देता है. ये रेडिएशन से भी बचाव करता है, जो आपको मोबाइल फोन से रेडिएशन है, टावर का रेडिएशन है, टीवी कूलर जितने भी अल्ट्रा वायलेट रेज जितने भी आता है बॉडी को परफेक्ट आता है. हाँ, मोबाइल फोन से रेडिएशन आता है कि नहीं आता है? वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया कि महिलाओं को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, अस्तन कैंसर होता है, 80 से 90% जो है ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम आने की जो प्रॉब्लम है ओनली फॉर द मोबाइल रेडिएशन. ओनली मोबाइल रेडिएशन 80% केस. मोबाइल फोन को कभी भी अपने बॉडी के अंदर में ज्यादा समय तक टच करके रखना नहीं चाहिए. समझ में आ गया? ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा कारण बना एक रिसर्च में देखा. तो अगर आप गैलेडोमा को लेना शुरू करेंगे, इंडिया में भी रिसर्च किया गया, प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन इंक्लूडिंग डैमेज बाय द एक्वस एक्ट ऑफ गैलेडोमा ऑस्टियम आखिरी साउथ पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण भारत में जब इन्होंने गैलेडोमा को रिसर्च किया गया तो उसके रेडिएशन को डैमेज करने वाले जो जो डैमेज कर रहा था, तो उस सभी चीजों में एक्सट्रैक्ट ऑफ गैलेडोमा गैलेडोमा से बनी हुई कुछ चीजों को जब उन्होंने खिलाना शुरू किया तो उसे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला. इसको रिसर्च देखिए, आंवला कैंसर रिसर्च सेंटर त्रिशूर केरला, रेडिएशन बायोलॉजी एंड हेल्थ केयर साइंस डिवीजन, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, ये सभी तीनों जगह पर गैलेडोमा के ऊपर रिसर्च किया गया. ये रेडिएशन में कैसा काम करता है? आप गैलेडोमा अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर पर रेडिएशन का कोई असर पड़ेगा ही पड़ेगा, भी तो माइनर, कुछ भी नहीं, औसत को जाना नहीं पड़ेगा. समझना क्या? अगर आप ज्यादा मोबाइल से बात भी करिए, अगर आप गैलेडोमा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या होगा? सूजन एवं जलन से भी बचाता है किसी भी तरह का, क्योंकि गैलेडोमा जो होता है एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट होता है, यह इंफ्लामेशन को कम करने में मदद करता है. ये सभी रिसर्च एविडेंस है गैलेडोमा के ऊपर. आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कामाला कैंसर रिसर्च सेंटर, इन्होंने भी रिसर्च करके बताया, इसका प्रोफेसर के जनार्दन, आवर रिसर्च हैज शोन दैट मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ गैलेडोमा लुसिडम पोसेसेस सिग्निफिकेंट एंटी ट्यूमर एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी. इन्होंने बताया कि हमारे रिसर्च में ये देखा गया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ गैलेडोमा लुसिडम, गैलेडोमा से बने हुए किसी भी चीजों को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रहने के कारण हमारे शरीर के अंदर में किसी भी तरह का कोई ट्यूमर पैदा नहीं होगा, यानी कि किसी भी तरह का कोई कैंसर. यानी गैलेडोमा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में कैंसर होने से क्या करेगा? बचाएगा. ये कौन बता रहा है? आपका आंवला कैंसर रिसर्च सेंटर त्रिशूर केरला, सबसे बड़ी कैंसर रिसर्च सेंटर है पूरे इंडिया में. समझ में आ गया? गैलेडोमा की इतनी बड़ी बात है. अगर एक जोड़ा आरजीजीएल पर दिन अगर कोई आदमी खाता है तो जिंदगी में कभी उसको हार्ट का प्रॉब्लम कभी आएगा ही, हार्ट अटैक के लिए एक जोड़ा आरजीजीएल. समझ में इतना पावरफुल गैलेडोमा है. ये कोशिका स्तर पे काम करता है. गैलेडोमा बर्थ ऑन सेल्स ऑफ द बॉडी, ये कोशिका स्तर पे कार्य करता है. और कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है. कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, हमारा शरीर का सबसे छोटा पार्ट है, हमारा शरीर का जड़ है, वहीं से हमारे शरीर की उत्पत्ति होता है, यानी कि शुरुआत होता है. जीवन का प्रारंभ इस तरह से होता है, एक कोशिका माता का, एक कोशिका पिता का, दोनों का एक एक कोशिका मिलकर के मां के गर्भ में एक नया कोशिका सेल का निर्माण होता है. फर्स्ट टाइम हमारे शरीर के अंदर में एक सिंगल ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, जो कि अगर देखा जाए तो सुई का जितना नोक होता है उससे भी कई गुना ज्यादा छोटा होता है. उसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है. और ये पूरा बॉडी को तैयार करने में हमारे कितना महीना लगता है?
9 महीना का टाइम लगता है। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा कोशिका 1, 2, 4, 8, 16, 32 जब बहुत सारे कोशिका मिलता है तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू मिलता है तो हार्ट ऑर्गन्स बनता है, हार्ट किडनी लिवर ब्रेन, ये सभी ऑर्गन मिलकर के हमारा सिस्टम का निर्माण करता है, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क सिस्टम, ये सभी सिस्टम, और ये सभी सिस्टम मिलकर करता है तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। यानी हमारा शरीर का जड़ क्या है? कोशिका, सेल्स। गैनोडर्मा यहाँ से ही सभी तरह के बीमारी के कारण को, गंदगी को, कचरा को, टॉक्सिन को, बैक्टीरिया को, वायरस को यहाँ से ही बाहर करता है। यानी कि हमारे शरीर के जड़ से ही, यहाँ से बाहर मतलब शरीर से सदा के लिए बाहर। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से निर्मित है। हमारा पूरा शरीर किससे निर्मित है? ये पूरा का पूरा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से, सेल से बना हुआ है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग अरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं। पूरा शरीर में हमारा हार्ट, पूरा का पूरा शरीर कोशिका से ही बना हुआ है, आप ये समझिए। और हमारा शरीर डिपेंड करता है कोशिका के ऊपर। अगर हमारा शरीर का कोशिका स्वस्थ हो जाएगा तो हमारा टिश्यू स्वस्थ, तो हमारा सभी अंग स्वस्थ, हमारा सभी अंग स्वस्थ होगा तो हमारा सभी सिस्टम प्रणाली सही स्वस्थ, जब हमारा सिस्टम जब स्वस्थ हो जाएगा तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। यानी हमारा शरीर डिपेंड करता है किसके ऊपर? सेल के ऊपर। अगर कोशिका स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, कोशिका अस्वस्थ, शरीर अस्वस्थ, कोशिका काम करना बंद कर देगा, शरीर काम करना बंद कर देगा, हमारा शरीर का कोशिका मर जाएगा, हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा? कोशिका अगर मजबूत तो शरीर भी। गैनोडर्मा का कहानी क्या है? हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को स्वस्थ करना, मजबूत करना, निरोग करना। जब हमारा सारा शरीर का सारा कोशिका ही स्वस्थ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, हमारा शरीर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? निरोग। अगर गैनोडर्मा की कार्य प्रणाली को अगर आप देखें, इसका पहला काम है स्कैनिंग। यानी जैसे ही हम गैनोडर्मा को लेना शुरू करते हैं तो इसका पहला काम है स्कैन करना, यानी कि पता लगाना, सर्च करना, खोजना। इसको स्कैन करने में लगभग 1 से 30 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? आपके शरीर में कहां कहां दिक्कत है, आपका हार्ट कैसा है, किडनी कैसा, लीवर में क्या दिक्कत है, ब्रेन में क्या दिक्कत है, पैर के नाखून से लेकर के बाल तक, ये पूरे शरीर को स्कैन करता है, यानी एक्सरे करता है, जांच करता है कि कहां कहां फॉल्ट है। इसको पता करने में लगभग 1 से 30 दिन लगता है। पता करने के बाद इसका दूसरा काम है क्लींजिंग करना, यानी कि साफ सफाई करना। जब साफ सफाई होता है तो उस समय थोड़ा सा समस्या भी आ सकता है, क्योंकि उस समय एलिमेंट रिफ्लेक्शन आता है, तो घबराना नहीं चाहिए। कोई आदमी को अगर घुटने में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, गैनोडर्मा लेना शुरू करता है तो हो सकता है शुरू में दर्द थोड़ा सा बढ़ जाए। होता है कि होता है? लिया था किस लिए? घटने के लिए। हो गया क्या? कहेगा कि फायदा नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? नुकसान। मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो भी गया तो घबराने की जरूरत, जैसे कि मेरा अगर देखा जाए तो मेरा लूज मोशन होता था, मेरा लीवर में प्रॉब्लम था, 4 से 5 बार लूज मोशन होता था, लेटिंग होता था। जब हमने गैनोडर्मा को, आरजीजीएलएस कैरोलिना को लेना शुरू किया, 1 सप्ते के बाद 7 बार 8 बार मोशन होने लगा, लेटिंग होने लगा। मेरा दिमाग काम करना यार, लिया था कमने के लिए, क्या हो गया? अब जो दिलाया उसको फोन किया, बोला दीदी जी आपने ये दिया है जान मारने का, जल्दी का प्लान है क्या? बोले क्या हुआ? बोले यार इससे बढ़िया तो हम नहीं खा रहे थे तोते, अब तो और ज्यादा बढ़ गया परेशान। तो क्या बताती है? ये परेशानी बड़ा नहीं है, तुमको जल्दी से फायदा कर रहा है। बोले गजब वाले, मेरा प्रॉब्लम बड़ा हुआ है, बोल क्या रही है? बोले कि जैसे बताए वैसे ही खाते रहना है, कुछ ही दिन के अंदर में अपने आप बैलेंस हो जाए। सही बात है, जैसे बताया गया वैसे ही खाते रहे, 1 सप्ताह के बाद फिर पहले के जैसा नॉर्मल। उसके बाद सब किसी को अगर किडनी के अंदर में कोई प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन में अगर पेशाब के रास्ते में जलन है या किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम है, अगर वो लोग इसको लेना शुरू करते हैं तो शुरू में हो जाता है हल्का सा हाथ पैर सूज भी सकता है। घबराने की जरूरत, कितना लोग बोलेगा भैया हम तो पहले सही थे, इसको खाए और हाथ पैर सूजा जा रहा, लगता है ये रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे यार रिएक्शन नहीं है, गैनोडर्मा रिएक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बस 2-4 दिन और बर्दाश्त करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। घबराने की जरूरत, किसी को अगर हार्ट में प्रॉब्लम है आप इसको लेना शुरू करेंगे हो सकता है सर्दी खांसी बलगम आना शुरू हो जाए, लेकिन घबराना, घबराने की जरूरत, अपने 2-4 दिन के अंदर में फिर पहले के जैसा बैलेंस। यही है इसका क्लींजिंग प्रोसेस। इसका कौन सा प्रोसेस है? शरीर के अंदर में खराब चीजों को, बेकार चीजों को, विषाक्त चीजों को बाहर करना। जब बाहर करना शुरू करेगा तो उस समय थोड़ी सी परेशानियां आएगा, उसको आप इग्नोर, उसको आप मैनेज करना। तीसरा बैलेंसिंग, चौथा बिल्डिंग, और इसका लास्ट प्रोसेस है रीजनरेशन, यानी कि पुनर्जीवन। हमारे शरीर में जितने भी सेल्स होता है, जो डैमेज होता है उसको रीजनरेट, उसको सही करता है। जहां पे कोशिका मर गया
आया हुआ होता है वहां पर नया कोशिका का, ये इसका प्रोसेस है। आप कैनोडर्मा